अच्छा जी। और ये खरंगा फोर्ट, इधर रास्ता, और हमारे मित्र सुनील जी हमारे साथ, इनके साथ काफ़ी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हुआ है केदारनाथ 2006 में, और अभी पहली यात्रा थी लंबी, थोड़ा अंधकार रास्ते में, तो हमारा एम है उस स्थल तक पहुंचने का जहां गोरखा वार हुआ था अंग्रेजों का, वार मेमोरियल है आज तो वहाँ, पुराने समय में एक किला होता था। खलंगा गोरखा वार मेमोरियल, जहाँ पर गोरखाओं ने सन 1815 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़ी भीषण लड़ाई लड़ी थी, और जिसमें हालांकि गोरखाओं की पराजय हुई, लेकिन उस वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेज़ सेना ने भी उनके जवानों के लिए वार मेमोरियल बनाया था, जो कि आज भी देहरादून में सहजधारा रोड पर देखा जा सकता है, जो कि एक बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है कि जहाँ एक एडवर्सरी यानी कि एक दुश्मन ने दूसरे अपने दुश्मन के जिसके खिलाफ़ लड़ाई की लड़ी, उनकी वीरता की सराहना की है, तो इस जगह ये लड़ाई लड़ी गई थी और वार मेमोरियल जो है वो नीचे बनाया गया है। ऐतिहासिक स्थल पर मेरे साथी श्री सुनील रतुड़ी मेरे साथ हैं, इनके साथ यात्राओं का अपना अलग ही रोमांच रहा है। तो इससे पहले 2006 में हमने केदारनाथ जी की यात्रा की थी, और शायद लोग यकीन नहीं करेंगे, वो आना जाना शायद सर हमारा 6 घंटे में हमने खींच दिया था दर्शन करके। और बड़े सौभाग्य की बात है कि कल जो परसों शाम के समय सर से मिलना हुआ, ये यहाँ अपने प्रशिक्षण के लिए आए हैं सीमेट में, और मेरी भी यहाँ पोस्टिंग है आजकल, तो इनको मेरा नहीं पता था मैं यहाँ हूँ, मुझे इनका नहीं पता था ये आने वाले हैं, तो मुलाकात हुई और सर ने कहा कि कुछ सड़क पे ही अचानक अचानक मुलाकात हुई, और फिर सर तो चूँकि चलते फिरते रहने वाले आदमी हैं, मगर सर कहीं चलोगे, इन्होंने बोला तुरंत चलेंगे जी। हमने कहा फिर आपको एक ऐतिहासिक स्थल के दर्शन कराते हैं, तो ये शुरू हुए, और ये हम खलंगा जो युद्ध स्मारक है यहाँ आए हैं, और सुनील सर हमारे, ये अभी मैं इसमें जानकारी दूंगा, यहाँ की ऊंचाई भी बताऊंगा, और जो रास्ता तय किया है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो वॉक है ये हमको पड़ी है करीब 4.5 किलोमीटर, क्योंकि थोड़ा सा हमने शॉर्टकट लिया है, अदरवाइज़ तो ये करीब 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, और बहुत अच्छी जगह है, बच्चों का टूर भी यहाँ लाया जा सकता है, उनको भी एक ऐतिहासिक स्थल, जंगल नीचे बड़ा अच्छा है, तो नेचर के बीच में बच्चे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली जा सकती हैं, गाड़ी से आ सकते हैं, बड़ी अच्छी रोड बनी हुई है। और सर सुनील सर दो शब्द बोलिए, आपका क्या अनुभव रहा यहाँ आने का? सर आपके साथ तो वैसे सभी अनुभव अविस्मरणीय होते हैं। अरे ये तो सौभाग्य की बात है, यहाँ पे जो हम अचानक से मिले सड़क पे जी, और यहाँ आना हुआ अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, मेरा भी सौभाग्य है, आप जैसे अत्यंत प्रतिभाशाली और हमारे तो एक तरीके से मेंटर हैं आप, हमको इस रास्ता दिखाने वाले, इस मार्ग पे लाने वाले, हमेशा आपको सदैव याद करता हूँ कि भाई कैसे किताबें आपके कमरे में जाते थे, किताबों दिखती थी, कुतूहल होता था, आप पूरा बताते थे,
कभी ये नहीं कि हाँ भाई तो बड़ा अच्छा ये रहा है हमारा तो आपसे एसोसिएशन, और पुनः आपके साथ यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें बुला लिया वाइस प्रिंसिपल जो भी बैठे बैठे अब वो ये बात को स्वीकार करने के बजाय कि हाँ हाँ मेरे से मिस्टेक हो गई, चलो आइंदा से नहीं करना का, वो हो गया गलती से हो गया मेरे से।